नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ अनुवांशिकता पे। जनरली अनुवांशिकता हम लोग अनुवांशिकता वाला टॉपिक छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन लीड और कॉन्स्टेबल में भी अनुवांशिकता आती है। अनुवांशिकता क्या है? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते अपन की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगति शब्द आता है वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब क्या है? तो सबसे पहले वंशानुगति के बारे में बताने वाला स्पेंसर था। आप भी कौन था? स्पेंसर। उन्होंने किसकी डेफिनेशन दी या बताने वाला शब्द किसने दिया? तो स्पेंसर ने दिया। किसका दिया? वंशानुगति। वंशानुगति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हेरेडिटी। अब बात यह आती है कि वंशानुगति क्या होती है। तो अपने किसी भी इंसान के, यानी कि माता ऑब्लिक पिता, यानी कि मैं कह दूं कि जनक है ना, अब जनक के गुणों को किसमें? पुत्र या पुत्री में जो लेकर जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। उससे अपन को उस गुण को अपन क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के साथ साथ में हम यहाँ पर एक और टॉपिक लेते हैं, अनुवांशिकी यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है या क्या चीज है। तो हम साथ में चलते हैं इसके लिए मेंडलवाद, है ना, मेंडलवाद। जनरली मेंडलवाद पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और रीट और कॉन्स्टेबल और एलडीसी जो एग्जाम आने वाले हैं इनमें भी जनरल साइंस के अंदर मेंडलवाद पे प्रश्न बनेंगे, ऐसा हमारी मान्यता है। तो अब हम देखते हैं कि मेंडलवाद में कौन है, तो देने वाला कौन है? मेंडल। मेंडल कौन थे? तो सर मेंडल जो थे उनका जन्म होता 22 जुलाई के दिन इनका जन्म हो जाता है। 22 जुलाई 1822 के दिन मेंडल का जन्म होता है, और जन्म होता है इनका ऑस्ट्रिया शहर में। कहां पर होता है? ऑस्ट्रिया। अब इनका जन्म होने के बाद में इन्होंने पादरी की उपाधि धारण की, है ना। उसके बाद में इन्होंने किस पर काम किया? तो इन्होंने मटर के पादप पर। किस पादप पर? मटर के पादप पर। मटर के पादप पर काम किया। मटर के पादप पर काम किया, और मटर के पादप को अपन, या मटर को अपन किस नाम से जानते हैं? तो पायसम सेटेवा, क्या बोलते हैं उसको? पायसम सेटेवा। ये उसका क्या नाम है? ये उसका वैज्ञानिक नाम है। किसने किया है? मेंडल ने। कब जन्मा है मेंडल? 22 जुलाई 1822 के दिन। अब मेंडल ने तो अपनी खोज करके, पूरी की पूरी जो खोज की इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट थी, है ना, इनकी एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर इन्होंने रिपोर्ट छापी थी, ये प्रश्न बन सकता है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। किसमें छापी थी इन्होंने? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर मेंडल ने क्या किया, अपनी जो भी रिसर्च की थी इन्होंने उसको प्रकाशित किया था। अब कहा जाता है कि उस समय मेंडल की बात को किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि सबसे प्रभावी कारण था डार्विनवाद। उस समय डार्विनवाद इतना जोरदार चलता था कि मेंडल की बात को अनदेखा कर दिया था लोगों ने। लेकिन सन 1900 में इन मेंडलवाद की पुनः खोज हो गई। तो अब देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो मेंडल ने जिस पे खोज की थी उस समय, अब मेंडल की मृत्यु के बाद में 1902 में मेंडल को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। ये चीज ध्यान रखने वाली है, और दूसरा नोबेल पुरस्कार भी था। तो 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिक अलग अलग शहरों से, है ना, एक तो थे कार्ल फ्रांस, दूसरे थे होंगो डिब्रिज, और तीसरे थे शेरमैन। इन तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग शहरों में देखे, फिर वही खोज की जो मेंडल ने खोज की थी, और वही खोज आगे चली। तो जब इन तीनों के निचोड़ को निकाला गया, तो फिर नव डार्विनवाद के, नव मेंडलवाद को दिया गया। एक्चुअल में डार्विन ने कितने लक्षणों को लेकर कार्य किया? तो 7। मेंडल ने कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो 3, है ना। कौन कौन से है 3 बड़े इंपोर्टेंट तीनों? पहला था हमारे पास में प्रभाविता का नियम, दूसरा था हमारे पास में पृथक्करण का नियम, और तीसरा था हमारे पास में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 प्रकार के नियम मेंडल ने दिए थे। ये तीनों के तीनों नियम मेंडल ने अपने
दिए थे, और बाद में जाके जो नव मंडलवाद है उसमें उसको पूरा का पूरा कार्लो पोरांस, होमो डी ब्रिज और शेयर मैन ने इसको पूरा का पूरा वापस क्लियर किया। कहते हैं कि मेंडल बड़े ही भाग्यशाली थे। मेंडल क्या थे? भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटर के पादप को चुना। इसको चुना था उन्होंने मटर के पादप को। मटर के पादप चुनने से क्या हुआ? एक तो उनको कम जगह की जरूरत पड़ी और ज्यादा बार उन्होंने प्रयोग कर लिया। अब कल्पना करो, अगर मेंडल एक बड़ा सा आम का पेड़ लेते है ना, उस पर रिसर्च करते, कितना टाइम लगता? आम जब तक बड़ा होता तब तक फिर कौन रिसर्च करता? मेंडल तो निकल चुके होते, तो लंबा समय लग जाता। तो उन्होंने एक मटर लिया, कम समय लगा, महीना सात भर का समय लगा उनका, जगह भी कम चाहिए थी उनको, बहुत ज्यादा प्लांट लगा सकते थे, पर बहुत ज्यादा प्लांट उन्होंने क्या कर लिया? स्टडी कर ली इस चीज से। दूसरी चीज क्या थी? मेंडल इसलिए भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने सात विप्रयासी लक्षण लिए, और वो सातों के सातों विप्रयासी लक्षण बाहर जीनों पर आधारित थे और बाहर से दृष्टिगोत हुए थे। अब सात विप्रयासी कौन कौन से थे? जैसे मेंडल का अपन बात करें कि श्वेत पुष्प का है ना, उन्होंने पुष्प लिया, एक श्वेत रंग का है, एक दूसरे रंग पिंक कलर का है, उन्होंने उसी प्रकार से दूसरे की अक्षस्त कली पे बना हुआ या कपड़ बना उस कली पे उन्होंने लिया। इसी प्रकार उन्होंने पादप की लंबाई, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इस प्रकार से मेंडल ने सात विप्रयासी लक्षण लिए और उन सातों विप्रयासी लक्षणों पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया और वो सिद्ध हुए। हालांकि मेंडल को सिद्ध करने में सन 1900 में कार्ल पोलांस, होमो डी ब्रिज और कौन था, शेयर मैक ने फिर से उनको पूरा खोज ली, उसके बाद जाकर वो सिद्ध हो पाए और 1902 में उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अगला जो वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में हमारे तीन जो नियम दिए इन्होंने, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभियुक्त का नियम और कौन सा, पत्रकार का नियम, इन तीनों नियम पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो। मैं जो अनुवांशिक का पार्ट फर्स्ट लिया था उसका सेकंड भाग आपके सामने लेके आया हूं मैं, और आज हम कस्टमर और रीड एलडीसी जो एग्जाम है उसके लिए अनुवांशिकता का पार्ट टू है ना, भाग दो लेके आया हूं। उसमें हमने वहां पर मेंडलिज्म